Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss a very important topic जो कि examination में forensic medicine के कई बार पूछा जाता है in 20 marks question and that is burns. ठीक है, burns की definition की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी injury जो कि heat से cause होती है या फिर किसी भी chemical और physical agent से जिसका effect heat जैसा हो. ठीक है, वो कोई एसिड हो सकता है जो कि बर्निंग सेंसेशन दे या फिर वो कोई भी ऐसा केमिकल या फिजिकल सब्सटेंस हो सकता है, तो हम उसे हीट या फिर बर्न के अंडर रखते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम टाइप्स ऑफ बर्न की बात करें तो एक होता है कॉन्टैक्ट बर्न, कि जैसे हमने किचन में कुछ प्रिपेयर कर रहे थे हम और हमारा हाथ उससे टच हो गया वेसल से, सो दैट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बर्न. फ्लेम बर्न की अगर हम बात करें तो जैसे कैंडल होती है उसकी फ्लेम से किसी तरीके से हमारा हाथ टच हो गया, सो दैट इज नोन एज फ्लेम बर्न. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्न इज स्कैल्ड. स्कैल्ड क्या होता है? मोस्ट कॉमनली ये वाटर की वजह से होता है, जैसे बॉइलिंग वाटर या फिर किसी भी तरीके का जो हॉट लिक्विड है अगर वो कॉन्टेक्ट में आ जाए, एक्सपोज हो जाए स्किन से, सो दैट फॉर्म्स स्कार्ड. ठीक है, रेडिएशन हीट बर्न क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर बर्न की इंजरी कॉज करे, सो वी कॉल इट रेडिएंट हीट बर्न्स. ठीक है, नेक्स्ट इज आयनाइजिंग रेडिएशन बर्न, जो कि बताना बहुत इजी है, दैट यूवी रेज की वजह से अगर बर्न अपियर हो रहा है सो वी कॉल इट आयनाइजिंग रेडिएशन बर्न्स. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट केमिकल बर्न्स. केमिकल बर्न्स क्या होता है? केमिकल बर्न्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज एसिड्स, एल्कली एंड वेसिकेंस. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, वेदर वो एसिड हो, बेसिस हो, जिनकी वजह से बर्न हो जाता है, वी कॉल इट केमिकल बर्न. ठीक है, इलेक्ट्रिक बर्न की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक वेव्स की वजह से या फिर लाइटनिंग शॉक की वजह से बर्न हो जाए, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक बर्न. माइक्रोवेव बर्न की अगर हम बात करें तो जो वाटर कंटेंट होता है पर्टिकुलर टिश्यू का, वो माइक्रोवेव के कंटेक्ट में जब आता है तो दैट गेट्स हीटेड और उस बर्न को हम माइक्रोवेव बर्न कहते हैं. ठीक है, सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ बर्न. अब हम आ जाते हैं बर्न की क्लासिफिकेशन पर. ठीक है, तो हियर वी हैव क्लासिफाइड बर्न्स इनटू टू मेजर क्लासिफिकेशंस. ठीक है, एक है विल्सन्स क्लासिफिकेशन और एक है ड्यूपोट्रेंस क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो की गई है ये बेसिकली की गई है डिग्री ऑफ डैमेज पे. ठीक है, कौन से बर्न को हम फर्स्ट डिग्री बर्न बोलेंगे, सेकेंड डिग्री बर्न बोलेंगे, कौन सा बर्न जो है सिर्फ एपिडर्मिस को इम्प्लाई करेगा, कौन सा जो बर्न है वो डीप टिश्यूज में जाएगा, ये क्लासिफिकेशन है. ठीक है, तो बेसिकली विल्सन्स क्लासिफिकेशन का यहाँ पर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक डायग्राम बनाया गया है. सो फर्स्ट इज फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल बर्न. ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न हमेशा एपिडर्मल होता है और उसमें सिर्फ एरिदमा, स्किन में रेडनेस अपीयर होगी. सेकेंड डिग्री एपिडर्मल होता है और उसमें कई बार ब्लिस्टर्स अपीयर हो सकते हैं. ठीक है, थर्ड डिग्री जो बर्न होता है उसमें सुपरफिशियल स्किन का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? थर्ड डिग्री बर्न ये फुल थिकनेस बर्न होता है. ठीक है, तो विल्सन्स क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया गया है, सॉरी ड्यूपोट्रेंस क्लासिफिकेशन, बट हम वहीं पर विल्सन्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फर्स्ट डिग्री बर्न सुपरफिशियल होता है. ठीक है, सेकेंड डिग्री बर्न पार्शियल या डीप पार्शियल होता है एंड थर्ड डिग्री बर्न इज फुल थिकनेस बर्न. ठीक है, अब हम बर्न के इफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिग्री ऑफ हीट अप्लाइड के बेसिस पे बर्न के इफेक्ट्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, इफेक्ट्स आर सीवियर इफ द हीट इज अप्लाइड वेरी ग्रेट. अगर ज्यादा अमाउंट में हीट अप्लाई होगी तो बर्न ज्यादा होगा, ज्यादा देर तक ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ज्यादा होगा तो भी बर्न ज्यादा होगा. ठीक है, साइज एक्सटेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया की कितना सरफेस एरिया कवर्ड है उसके बेसिस पे भी हम बर्न की इफेक्ट को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, उसके लिए हम एक
रूल यूज करते हैं विच इज नोन एज वैलेस रूल ऑफ नाइन्स। ठीक है, इसमें जो स्किन होती है या फिर जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है उसको हम सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप देख सकते हो दैट फ्रंट ऑफ चेस्ट एंड बैक एरिया 99%। ठीक है, देन दिस एरिया एंड दिस एरिया कॉन्स्टिट्यूट 9%। फ्रंट जो है लेग का और बैक ऑफ द लेग, ये भी 9% ऑफ ईच लेग है। ठीक है, और जो पेरिनियल एरिया होता है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1%। ठीक है, दोनों हाथ एक्सट्रीमिटीज भी उतना होता है। और सर देखिए, यहाँ पर 9% एक साइड लिखा हुआ है, 9% दूसरा साइड, मतलब एक पैर का 18% होगा, बट सर का दोनों साइड मिलाकर 9% लिखा हुआ है बिकॉज टोटल हेड का कॉन्ट्रीब्यूशन 9% है। ठीक है, तो इन सब को लेकर हम एसेस करते हैं कि कितना परसेंटेज या फिर कितना एक्सटेंट है बर्न का। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द साइट। तो साइट जो है ज्यादातर अगर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स पे है तो वो जो होता है वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू ऐसे बर्न जो कि दूसरे पार्ट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन अगर 2 साल के कम हैं, 2 साल से नीचे हैं, तो उनका बर्न ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं बर्न के लिए। वुमेन्स आर मोर ससेप्टेबल। नाउ कॉजेज ऑफ डेथ की अगर हम बात करें बर्न के केस में, तो इमीडिएट कॉज क्या होता है जिसकी वजह से किसी की डेथ हो सकती है? या तो पर्सन शॉक में चला जाएगा, ठीक है, किसी रूम में बंद है और वहां आग लग गई है, ठीक है, तो उसको सांस नहीं मिलेगी, CO2 या फिर CO पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, स्मोक की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ये सबसे इमीडिएट कॉज। डिलेड कॉज क्या हो सकता है? जैसे कोई पर्सन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाए, ठीक है, किसी को ग्लॉटिस का इडिमा हो जाए, किसकी वजह से? स्मोक को इनहेल करने की वजह से। ठीक है, टॉक्सीमिया हो सकता है, ब्लड में इंजूरियस सब्सटेंसेस जा सकते हैं, सेप्सिस हो सकती है। ठीक है, सेप्सिस जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है बर्न का। ठीक है, मूविंग ऑन, कुछ इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पर्सन में जो कि बर्न कॉज करते हैं। ठीक है, सो दोज वर द डिलेड कॉज। अब हम बात करते हैं कुछ रिमोट कॉजेस की, जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक पर्सन में जिसको बर्न इंजरी हुई हो, वो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। वो क्या हो सकता है? कोई सप्यूरेटिव डिस्चार्ज हो सकता है, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो सकता है, टिटैनस हो सकता है, पर्सन में अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीजें अपीयर हो सकती है। ठीक है, सो अप टिल नाउ वी आर डन विथ डेफिनेशन, वी आर डन विथ टाइप्स, वी आर डन विथ कॉजेज ऑफ डेथ जो कि बर्न कॉज करते हैं, एंड वी आर डन विद द वैलेस रूल ऑफ नाइन। वैलेस रूल ऑफ नाइन कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फाइंडिंग में हमें क्या क्या मिल सकता है, हम देखेंगे कि पर्सन की क्लोदिंग जो है उसको प्रॉपरली रिमूव करेंगे, उसमें कोई केरोसिन, पेट्रोल, किसी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है कि नहीं। ठीक है, साइट क्या है, साइट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस जगह पर ज्यादा बर्न हुआ है, फेस देखेंगे कि किस तरीके का है, सॉलन है, डिस्टॉर्टेड है, फेस पे कोई बर्न है कि नहीं है, टंग प्रोट्रूड कर रही है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम स्किन की बात करें तो स्किन में कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक ब्लैक अपीयरेंस हो जाता है, हीट का इफेक्ट बर्न की वजह से एरिदमा भी हो सकता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट पोस्टमार्टम स्टेनिंग में अगर चेरी रेड कलर ऑब्टेन हो रहा है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को बताता है। ठीक है, ब्लिस्टर्स अपियर हो सकते हैं पर्सन की बॉडी में। ठीक है, हेयर जो है कई बार ऐसे होते हैं कि बर्न की वजह से क्या होगा, आप हेयर को आपने देखा होगा कभी भी जब वो बर्न या सॉरी फायर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो मुड़ जाते हैं तुरंत। ठीक है, तो दैट इज नोन एज सिंग्ड हेयर, वो अपीयरेंस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो दीज आर द एक्सटर्नल अपीयरेंस जो कि पर्सन में मिलेगा। एक्सटर्नली हमने बात कर ली, अब हम इंटरनल फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो हीट की वजह से कई बार हीमाटोमा अपीयर हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, पर्सन में जो ब्रेन है, ब्रेन का एरिया कंजेस्टेड हो सकता है, वाइडनिंग या फ्लैटनिंग हो सकती है गायराय की। नेक की अगर हम बात करें तो रूट ऑफ टंग या फिर नेक मसल्स जो है वो इरिटेट हो सकती है। ठीक है, लारिंग्स और ट्रैकिया की अगर हम बात करें तो ये
कार्बन या फिर सूट पार्टिकल्स मिलेगा, क्योंकि पर्सन जो है वो उसने ऐसे आग लगे हुए रूम में या फायर कैच किए हुए रूम में उसने सांस ली होगी, तो सूट के पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं, ठीक है, फ्रॉगी म्यूकस सेक्रीशंस आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। मूविंग ऑन लिवरा की अगर हम बात करें तो कंजेशन मिलेगा हमें लिवरा में, लंग्स में, ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स ब्लड से फुल मिलेंगे एंड चेरी रेड कलर हमें मिलेगा, क्यों, सीओ पॉइजनिंग की वजह से, ठीक है। स्टमक में कर्लिंग अल्सर्स अपीयर हो सकते हैं अगर पर्सन जो है वो उसकी फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम क्या हो गई है, बर्न हो गई है या फिर गैस्ट्रिक एंट्रम में बर्न हो गया है, तो ठीक है। स्प्लीन जो है वो एनलार्ज और सॉफ्टन मिल सकती है। लिवर की अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्लाउडी स्वेलिंग या फिर कई बार लिवर जो है उसमें फैटी अपियरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। किडनीज में नेफ्राइटिस हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है और इन्फेक्शन का भी केस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स भी कंजेस्टेड मिल सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट द टॉपिक बर्न, ठीक है। बर्न में हमने डिस्कस की बर्न की डेफिनेशन, वी हैव डिस्कस द कॉजेस, वी हैव डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ बर्न्स, वी हैव डिस्कस द क्लासिफिकेशन, द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जिसमें हमने एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल साइंस डिस्कस किए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ डिस्कशन ऑन बर्न्स। आई होप आई हैव मेड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड अपकमिंग फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के लेक्चर के लिए मेडिक्योर बॉडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।